आज कांगड़ा में हूं तो स्वाभाविक है ये मैदान से लेकर के सब पुरानी यादें स्वाभाविक रूप से ताजा हो जाती है। शांता कुमार जी के साथ बरसों तक काम करने का अवसर मिला और जब मैं यहां रथ यात्रा करते हुए आया था तो हमारा रथ कोटला पोल होकर के गुजरा था और तब शाहपुर के बाजार में ऐतिहासिक सभा हुई थी और जिसकी चर्चा लंबे अरसे तक रही थी। हमारे कांगड़ा के चौधरी विद्यासागर जी, शाहपुर से हमारे राम रतन पटराकू जी, हमारे पालनपुर से कैप्टन आत्माराम जी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चंबा से किशोरी लाल जी, ऐसे अनेक साथियों के साथ लंबे अरसे तक काम करने का मुझे मौका मिला और यहां किशन कपूर बैठे हैं, उनकी वो पुरानी जीप लेकिन कभी कभी हमें पहुंचा देती थी। साथियों, आज हिमाचल 21वीं सदी में विकास के जिस अहम पड़ाव पर है, वहां उसे एक स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। जब हिमाचल में स्थिर सरकार होगी, उसके पास डबल इंजन की ताकत होगी, दूर करेगा और नई ऊंचाई भी उतनी ही तेजी से प्राप्त करेगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। मैं हिमाचल भाजपा को विकास का नया संकल्प लेने के लिए, इतना अच्छा घोषणा पत्र बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता। हिमाचल भाजपा के 11 शुभ संकल्प यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। साथियों, कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है, नहीं वो चाहते हैं। आप देखिए, आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन गिन करके दो ही सरकारें बची हैं, एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और वहां से खबरें कभी विकास की आती है? नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती है। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, हाव ऊपर मत करो, मुंह से बोलो, हो सकता है क्या? हाँ, मेरा तो अनुभव कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। साथियों, भाजपा ने राजनीति में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। आज भाजपा की पहचान सुशासन से है, गरीब के कल्याण वाली नीतियों से है। भाजपा वही बातें कहती है जो कर सकती है, और जो कहती है उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वहीं कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं।
इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता रहता है। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया है। भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर वापस आई। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारें कई कई बार सरकार में वापस आई है। अब तो इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बीजेपी को ही दोबारा बिठाया। यूपी में भी 40 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी फिर से जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सरकार में वापस आई। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार फिर से आकर के एक नया इतिहास बन गया है। अब इस स्थिति की तुलना आप जरा कांग्रेस से करिए, आपको हैरानी हो जाएंगी। इस तरफ नजर करेंगे जरा सोच करके, कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। अब देखिए तमिलनाडु में वहां के लोगों ने करीब 60 साल पहले वहां से कांग्रेस को निकाला, अब तक वापस नहीं आई। 60 साल हो गए घुसने नहीं देते। ये पश्चिम बंगाल देखिए, त्रिपुरा देखिए, वहां के लोगों ने 50 साल हो गए कांग्रेस को हटाया 50 साल पहले, 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को करीब करीब 40 साल से सत्ता के बाहर करके रखा हुआ है। कितना गुस्सा होगा आप अंदाज कीजिए। उड़ीसा के लोगों ने भी कांग्रेस को करीब करीब 30 साल से सरकार में आने से रोक रखा है। नागालैंड में भी कांग्रेस करीब करीब 25 साल से लगातार चुनाव हार रही है। आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। आपने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई कर दी थी, अब उसे लौटने नहीं देना है, घुसने मत दीजिए। आज मुझे ये देखकर खुशी है कि हिमाचल के लोगों को भी ये भली भांति समझ आ गया है कि 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परंपरा, इस परंपरा ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो राज्य का नुकसान किया है, राज्य के नौजवानों के सपनों को कुचल दिया है। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो, यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है।
ये जो राजनीतिक परिपाटी थी इसको पूरे देश में बदलने का बीड़ा भाजपा ने उठाया है, देश के लोगों के आशीर्वाद से उठाया है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दे। इसलिए हम विकास के लिए, देश के लिए हर जगह हर स्तर पर काम कर रहे हैं। साथियों, जब सरकार में निरंतरता होती है, सरकार वापस आती है, तो लोगों को भी सरकार से हिसाब मांगने का मौका मिलता है। अगर आपने मुझे 2019 में न बिठाया होता तो आप मेरे से हिसाब मांग सकते थे क्या? नहीं मांग सकते थे, कोई और सरकार आ जाती। लेकिन आपने मुझे दोबारा बिठाया 19 में तो आप मुझे पूछ सकते, मोदी जी वो क्या हुआ, मोदी जी उसका कब करोगे? और मोदी जी को भी लगेगा भाई मुझे करना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का दबाव बहुत काम करता है। अब आप सोचिए, कोरोना के समय कितनी मुश्किलें आई। हम भी यही सोच सकते थे कि भी 5 साल के बाद तो सरकार बदलने वाली है, हिमाचल का तो रिवाज है, कोरोना आया है वैसे चला जाएगा, हम भी सोच सकते थे। लेकिन हमने वो नहीं सोचा। पहले भी हिमाचल के लोगों को मालूम है, कोई भी वैक्सीन वगैरह आती थी आखिर में सारे देश का काम हो जाए तब जाके हिमाचल की बारी आती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया, जब हमें सेवा भाव से काम किया, हमने इस सोच को हमारे आसपास फटकने भी नहीं दिया। जब कोरोना आया तो हमने हिमाचल में टीकाकरण पर बहुत बल दिया, दूर दराज के इलाकों में भी हमारी सरकार पहुंची, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गए, हमारी माताएं बहनें गई, उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाई और हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य हमारा बन गया जिसने 100% टीकाकरण पहले कर लिया। हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल के बाद बदलते कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो यहां की एक एक जिंदगी मूल्यवान है, हिमाचल का एक एक नागरिक हमारे लिए ईश्वर का रूप है। यही हमारा काम करने का तरीका है। ऐसे ही काम के आधार पर हम भाजपा के लिए आपसे दोबारा आशीर्वाद मांग रहे हैं। और साथियों, आपको यह हमेशा याद रखना है कि हिमाचल के पास तो विकास के दो दो इंजन है। वो कहते हैं ना, चौपड़ियां रोटियां सह भी दो दो। इससे कैसे काम होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई, हिमाचल भाजपा सरकार ने गृहिणी योजना से उसमें हजारों और बहनों को भी जोड़ दिया। केंद्र ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की फ्री इलाज की सुविधा दी। हिमाचल में भाजपा सरकार ने हिम केयर के तहत इसमें लाखों और साथियों को जोड़ दिया। केंद्र सरकार ने गरीब को पक्के घर देने की योजना शुरू की। 2014 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी, याद रखना। ये होते हैं तो क्या होता है, मोदी दिल्ली में बैठ करके कितना ही करना चाहेगा लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितना ही कहे कि हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है वो करना है, वो करने नहीं देंगे। और ये मैं उदाहरण से बताता हूं आपको, 2014 से लेकर 2017 दिल्ली में आपने मुझे बिठाया और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। हमारा निर्णय था कि हमें लोगों को पक्के घर देना है, जिसके पास पक्के घर नहीं उनको पक्के घर देना है। 2014 से 17, 3 साल कांग्रेस की सरकार ने कितने घर बनाए हिमाचल में? पूरे हिमाचल में
पैसे भारत सरकार दे रही है, पैसे मोदी सरकार भेज रही है। हिमाचल में सिर्फ 15 घर बनाए, 15। शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई, और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए, 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। अब मुझे बताइए, ये 15 घर बनाने वाले आपको चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाले चाहिए? हिसाब समझ आता है ना भाइयों? देखिए, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले इसके लिए केंद्र सरकार ने पेंशन और बीमा की योजना शुरू की। हमने किसानों को, खेत मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को 3,000 रुपये की नियमित पेंशन मिलने का रास्ता बनाया। इस भावना को हिमाचल की भाजपा सरकार ने और आगे बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार ने पेंशन की उम्र 80 साल कर दी, और उसमें भी कमाई की शर्त रखी कि इतनी कमाई होगी, 80 साल हो गए होंगे। भाजपा की हमारे सीनियर सिटीजन के प्रति कितना सम्मान का भाव है, हम भी 80 साल को आगे बढ़ा सकते थे, हमने 80 साल को आगे नहीं बढ़ाया। हमने कहा नहीं, 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन की चिंता होनी चाहिए, और हमने 60 साल की उम्र कर दी और कमाई की शर्तों को भी हटा दिया। इससे लाखों हमारे सीनियर सिटीजन्स को, जो कांग्रेस वाली सूची में नहीं थे, उन सबको पेंशन मिलनी शुरू हो गई। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल हजारों रुपये छोटू किसान के बैंक खाते में जमा करते हैं। अब हिमाचल भाजपा ने कहा है कि 8 दिसंबर के बाद जब फिर नई सरकार बनेगी तो इसमें 3,000 रुपये हिमाचल सरकार भी और बढ़ा देगी। ये होता है विकास का डबल इंजन। साथियों, कांग्रेस ने अपने राज में कैसे हिमाचल को धोखा दिया है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब केंद्र और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी कांग्रेस, यहां भी कांग्रेस, तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने तय किया कि हिमाचल को जो विकास के प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें 100 में से 40 रुपये हिमाचल की जनता को देने ही होंगे। अगर 40 रुपया हिमाचल की जनता नहीं देगी तो दिल्ली 60 रुपये भी नहीं देगी। काम लटकेगा, अटकेगा, भटकेगा। अब हिमाचल जैसा छोटा राज्य हर चीज में 40 रुपया कहां से लाएगा? यहां के हमारे पहाड़ी लोग, भले भोले लोग, ईमानदारी से जीने वाले लोग, ये 40 रुपये कहां से लगाएंगे? सरकार की तिजोरी में पैसा आएगा कहां से? नतीजा ये हुआ कि हिमाचल में विकास की सारी योजनाएं ठप हो गई। जब आपने मुझे दिल्ली भेजा, मुझे जिम्मेवारी दी, मैं तो हिमाचल से बहुत परिचित था। यहां क्या करेंगे तो हिमाचल का भला होगा, हम क्या करेंगे तो हिमाचल के नौजवानों का भाग्य सुरक्षित होगा, ये मैं तो भली बात ही जानता था। हमने क्या कर दिया? हमने कहा भाई, मैं हिमाचल को जानता हूं, ये 40 रुपये वाला निकालो, अब 90 रुपया भारत सरकार देगी, सिर्फ 10 रुपया टोकन हिमाचल को देना होगा। ये डबल इंजन की सरकार करती है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।